मेरी बॉस आ रही है शाम में खाने को, प्लीज कुछ अच्छा सा बना दो। मैं नौकर नहीं हूँ। ओए होए, आप कौन है? मैं सारा। बात सुनो, ये कैसी बॉस है तुम्हारी? अच्छी है ना? यार बात तो तू बड़े मजे की बता रहे, लेकिन आज मैं आ नहीं सकता क्योंकि आज मेरे घर पे मेरी बॉस आ रही है। अरे हाँ हाँ, तेरे भाई का प्रमोशन होने वाला है अगले महीने। हाँ वही बॉस जो बड़ी खूबसूरत सी है, टिप टॉप रहती है, पूरा ऑफिस उन पे लट्टू है, लेकिन वो सिर्फ तेरे भाई से बात करती है। सुमेर मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, इमरजेंसी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुमेर से बात करने में कैसी शर्म? अभी जो तुम फोन पर बात कर रहे थे मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, वो इमरजेंसी वाली बात। अरे यार तुम तो जानती हो ना सुमेर को, अगर मैं उससे ये नहीं कहता मजीद एक दो घंटे फोन पे पी जाता, फजूल की लंबी होती। वैसे आपकी ये बॉस कौन है? ओ बॉस वो आज आ रही है ना शाम में, तुम मिल लेना उनसे। मुझे कोई शौक नहीं उनसे मिलने का, और उनको यहाँ क्यों बुलाया? शाजिया तुम्हें तो पता है ना मेरी अगले महीने प्रमोशन होने वाली है, तो उसके लिए जरा बुलाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, आओ भगत करनी पड़ती है, बॉस है मेरी। बहुत अफसोस की बात है शाजिया, अगर मेरी प्रमोशन नहीं हुई ना तो वह ज्यादा अफसोस की बात होगी। इस तरह प्रमोशन ना ही मिले ना तो ही सही है शाजिया, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, आज मेरी बॉस आ रही है शाम में खाने को, प्लीज कुछ अच्छा सा बना दो। मैं नौकर नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है। हाँ तो अपनी अम्मी से जाके बोलो कि आके खाने बनाए। अम्मी तो है ही नहीं आज के एपिसोड में। क्यों कहाँ गई? वो गई है एजाज खालू के पास। तुम एक काम करो प्लीज, मेरी बॉस आ रही है आज, कुछ अच्छा से खाना पका दो प्लीज। मैं नहीं पका रही खाना प्लीज शाजिया। अरे 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 कोई नहीं, मैं पका रही खाना। नहीं मैं शाजिया प्लीज, शाजिया बात तो सुनो शाजिया। चुटकी 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 चुटकी, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी भी हो। चुटकी क्या हो गया, गुस्सा किस बात का है? गुस्सा ना करूँ तो और फिर क्या करूँ? अरे क्या हो गया भाई? भाई इस घर में ना मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। क्या, किसने तुम्हें नौकरानी बोला, नाम बताओ। भाई जान बाप फजूल बातें नहीं करे, पहले बहादुर की वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। देखिए ये पूछना तो बिल्कुल बेकार है कि बहादुर भाई ने किया क्या है, वो तो और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन चलो फिर भी बता दो उन्होंने किया क्या है। भाई उनकी कोई बॉस आ रही है एकदम से। तो ये तो अच्छी बात है, घर में मेहमान आता है तो फरिश्ते आते हैं, रहमत होती है। तो मेहमानों की खिदमत करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है? नहीं तो आप आंटी को बोले, आंटी आपका हाथ बटा देंगी। वो घर में टेंगे तो हाथ बटाए ना, हर वक्त किसी रिश्तेदार के मुंह उठा के चली जाती है। अच्छा ये कौन है, मैं जरा देख के आता हूं। बॉस ही आई होगी और कौन आया होगा, तंग आ गई हूं मैं तो। ओए होए, आप कौन है? मैं सारा। मैं गुड्डू। बहादुर यहाँ रहते? नहीं यहाँ तो सारे बुजदिल रहते हैं, आप उससे बातें कर लेना। आपसे क्या बात करूं? कोई भी बात कर ले, मैं तो फारिग हूँ। मैं सारा हूँ बहादुर की बॉस। ओ ऐसे बोले ना, आइए आइए अंदर आइए। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अरे बॉस आप आ गए। बहादुर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे बॉस ऐसी क्या बात है, आप इसे अपना ही घर समझे। बहादुर बाकी बातें अंदर चल के कर ले। हाँ चले चले। बहादुर भाई लग गए क्या? वो हमने बाहर पौधा लगाया था ना उसमें फूल लग गए। आइए आइए तो छोड़े, आए बॉस आइए आइए। बहादुर तुमने तो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। बॉस ये शाजिया मेरी बीवी। हाय शाजिया, तुमसे अच्छा लगा मिलके। शाजिया को भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। लग तो नहीं रहा। प्लीज डोंट माइंड, मुझे ना मजाक करने की आदत है, बहादुर को तो मालूम है। और ये कौन है? ये गुड्डू है मेरा साला। हाय गुड्डू, नाइस टू मीट यू। आई लव यू टू। जी मुझे भी मजाक करने की आदत है, बहादुर भाई को तो पता है। हाँ ओ अच्छा अच्छा, ओ सॉरी बहादुर, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाई थी। अरे बॉस इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन आप इतने प्यार से ले आई है, मैं मना नहीं करूंगा। ओ आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। कोई बात नहीं। अरे शाजिया ये तो वो वाली घड़ी है जो तुम मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना चाह रही थी, ये बॉस ने ला दी। अब तुम मत खरीदना। गुड्डू तुम क्या करते हो? ये कमाल करते हैं। मतलब वो आपने शेर नहीं सुना, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। देखे मैं एक फ्रीलांसर हूँ और बहादुर भाई को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। अरे तो फ्रीलांसर्स का तो आजकल करियर बहुत अच्छा चल रहा है। जी अब इनको कौन समझाए। बहादुर जरा दो मिनट मेरे साथ आइएगा। बहादुर भाई लग गए क्या? वो पंखे लाए थे ना लगवा लिए। एक्सक्यूज मी बॉस मैं आता हूँ। जी
तो कैसी आप? ठीक? बात सुनो, ये कैसी बॉस है तुम्हारी? अच्छी है ना? बहादुर, मैं ये नहीं पूछ रही कि वो अच्छी है या बुरी है। अभी तो तुमने पूछा कैसी है। मेरा मतलब है कि वो किस किस्म की बॉस है, और जब से आई है तुम उसी को चिपके हुए हो, और वो तोहफा भी लाई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कहाँ की तमीज है ये? अब समझ आया, तुम्हें ये बुरा लग रहा है ना कि वो सिर्फ मेरे लिए गिफ्ट लाई है और तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई है ना? जी नहीं, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम घर में रहते हुए उससे इतना फ्री हो रहे हो, तो ऑफिस में क्या करते होगे? शाजिया, ये मेरी नौकरी का मामला है, प्रमोशन का मामला है, समझा करो, बॉस की जरा आओ भगत करनी पड़ती है। कसम खुदा की, अगर तुम्हारी प्रमोशन का मसला नहीं होता ना, तो खड़े खड़े इसको घर से निकाल देती मैं। खुदा का वास्ता है, तुम्हें ऐसा कुछ मत करना। तुम जाओ, जाके किचन में खाना बनाओ, मैं जरा जाके बॉस को कंपनी देता हूँ। बॉस को कंपनी देता हूँ, जहर डाल दूँ उसे खाने में। भाई आपको देख के बड़ी हैरानी हुई मुझे। समझ गई। क्या समझ गई? वो एक्चुअली मेरी शक्ल ना एक इंडियन एक्ट्रेस से मिलती है, हर कोई मुझे उससे मिलाता रहता है। उसका नाम क्या था, मैं भूल गई। नहीं नहीं, इस बात पे हैरत नहीं हुई। फिर ये इस बात पे हैरत हुई कि इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी जॉब करती हैं। ओह थैंक यू भाई, वुमेन एम्पावरमेंट का तो मैं बहुत बड़ा हामी हूँ। वाकई? और क्या, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी लड़की से शादी हो जो खुद भी खाए और हमें भी खिलाए। क्या? अब मेरा मतलब है कि खुद भी काम करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ वैसे इंडिपेंडेंट होने का तो अपना ही मजा है। जी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबको करनी चाहिए। अरे तो फिर कब कर रही हैं आप? ऐसे कैसे, कोई अच्छा इंसान तो मिल जाए। अरे क्या बात कर रही हैं आप, मैं तो कहता हूँ आप अपने इर्द गिर्द ढूंढें, क्या पता कोई खूबरू और जबरदस्त नौजवान आपके साथ ही हो। गुड्डू गुड्डू। अबे जी बहादुर भाई, जरा यहाँ आना। आ रहा हूँ एक मिनट में। बहादुर तुम यहाँ आओ। जी जी बॉस आता हूँ, एक सेकंड आता हूँ, आप पहले गुड्डू को भेज दें जरा। मैं जरा देख के आता हूँ। जी गुड्डू तुम जरा इधर आना, तुम जरा। अरे क्या हो गया? तुम अंदर बॉस से क्या बातें कर रहे थे? ओबे सुन ली क्या? सुनी तो नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। शुक्र। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि आपका प्रमोशन डी हो गया भाई, मैं थोड़ा सा मक्खन लगा रहा था। गुड्डू मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, खबरदार उनसे कोई फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे यार बहादुर भाई एक बात बताए, मैं उनसे क्यों फ्री होगा? अच्छा सुनो, ये तुम अंदर झूठ क्यों बोल लेते कि तुम फ्रीलांसर हो? देखे बहादुर भाई मैं आपका काम करता हूँ ना। हाँ कभी कभी मैं छोटकी का काम भी करता हूँ। हाँ? कभी कभी मैं आंटी का काम भी करता हूँ। अरे बल्कि मैं तो कभी कभी भाग के इस घर के काम भी कर लेता हूँ, बल्कि मैं तो पड़ोसियों का काम भी करता हूँ, तो टेक्निकली हुआ ना मैं फ्रीलांसर। अच्छा अच्छा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है, जो समझाया ना वो समझ लो। हाँ ठीक है। बहादुर मेरी बात सुने, मैंने खाना तैयार कर दिया, जल्दी से जाके रोटियां ले आ ताकि मैं खाना लगा दूं। जाओ गुड्डू रोटियां ले आओ। अरे वो क्यों जाएंगे, आप जाएं। अरे शाजिया मेरी मेहमान आई है ना, अंदर बॉस आई है, मुझे उनके पास बैठना होगा। मैं देख रही हूँ ये बैठने की जो बेचैनी है, मेरे साथ बैठने के लिए तो कभी इतने बेचैन नहीं हुए। देखो जरा, अरे तुम आग मत लगाओ। आग नहीं लगा रही हूँ, और मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब नजर आ रहा है, समझ में आई? और रोटियां लाने में कितनी देर लगती है? अच्छा यार ला रहा हूँ रोटियां, तुम लोग जाके बैठो बॉस के पास। और तुम देख रहा हूँ मैं तुम्हें, देखे सामने गिर मत जाएगा, देख रहा हूँ। आए बॉस से बात करो। जहां सा बॉस के साथ बैठा था, रोटियां लेने भेज दिया। दानियल बहादुर मेरा भाई। दानियल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस का इंतजार। बॉस का इंतजार मतलब? अरे यार बहादुर इतना हैरान हो के क्यों पूछ रहे हो, मैं बॉस से मिलने ही तो आया हूँ। अगर तुम बॉस का इंतजार मेरे घर के बाहर क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैं भी बॉस से प्रमोशन की बात कर सकूं। अरे यार दानियाल तुम क्या पी पिला कर आए हो, आंखें दिखाओ अपनी, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है, मैं सिर्फ अपने बॉस से प्रमोशन की बात ही तो करने आया हूं। देखो दानियाल अगर तुम्हें बॉस से अपनी प्रमोशन की बात करनी है ना, तो जाके ऑफिस में करो, मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि बॉस से बात करने सिलसिले में बहुत मुश्किल है। दानियाल मुश्किल कुछ नहीं होता इंसान के लिए, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। हाँ हाँ जैसे मैं जानता हूँ तुम कितनी मेहनत और हिम्मत करते हो, खुशामदी। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो चलते बनो यहाँ से, मैं भी तुम्हें बॉस से नहीं मिलवा सकता। यार बहादुर प्लीज मेरे भाई। नहीं तो बस नहीं, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम्हारी प्रमोशन की बात तो क्या, मैं चाहूँ ना बॉस से कह के तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊँ, तुम्हें पता है ना बॉस से कैसी सेटिंग है मेरी। हाँ हाँ जैसे मैं जानता नहीं, हर वक्त तुम बॉस की सुन रहे हो, तो कितने अच्छे रिलेशन है मुझे पता है सब। हैं क्या कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। हाँ चलो चलो चलते बनो, शाबाश, फटाक फटाक घुमाओ, क्या हो गया? बहादुर दी ग्रेट से पंगा इज नॉट वेरी चंगा। बड़ा आया मुझे। अरे मैं तो रोटियां लेने निकला था, ये किसने बातों में लगा दिया मुझे।